गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम परफॉर्म करेंगे टू स्टडी द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी साउंड जेनरेटर सो डिसउंड जेनरेटर पे क्लिक करना है यहां पे तो इसका एम यहां पे मिल जाएगा टू स्टडी द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जेनरेटर ड्रॉ द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन सो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में हम लोग एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डिसीश एंड जेनरेटर का ओके सो एम ए ही होगा तो फर्स्ट क्या लिखना है लैब मैनुअल में एम लिखना है उसके बाद हम लोग जाएंगे थियोरी थ्योरी so, पे, पे क्लिक करना है तो थ्योरी ओपन हो जाएगा सो थ्योरी पोर्शन में हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ओके थ्योरी पोर्शन तब यहां से लिखना है लैब मैनुअल में उसके बाद यहां पे जो प्री टेस्ट है सो so, यहाँ पे प्री टेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे आप लोग आंसर कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे पूछ सकते हो उसके बाद जो है प्रोसीड्योर प्रोसीडियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, प्रोसीडियर में हर एक कनेक्शन कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे सब कुछ मेंशन प्रोसीडियोर में है सो so, हम लोग प्रोसीडियर और यहां पे एक फिगर भी दिया है जिसमें कनेक्शन किया गया है सो so, हम लोग प्रोसीडियर वी लैब मैनुअल पे लिखेंगे ठीक है ना तो फर्स्ट लैब मैनुअल में क्या लिखना है एम नेक्स्ट लिखना है थियोरी नेक्स्ट लिखना है प्रोसीड्यूर ओके okay? उसके बाद जो सिम सिमुलेशन है यहां पे जाके हम लोग सिमुलेशन करेंगे सो so, सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो ए वाला इंटरफेस आ जाएगा सो so, यहां पे क्या करना है क्लिक हियर टू गो टू द सिमुलेशन पेज सो यहां पे क्लिक करना है सिमुलेशन पेज ओपन हो गया अब यहां पे कनेक्शन बनाना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रोसीडियोर देखेंगे जैसे ही प्रोसीडियर बोला है वैसे हम लोग कनेक्शन बनाएंगे बहुत ही ईजी है सो so, यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ये वाला एमसीबी है थ्री पॉइंट स्टार्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ओके सो प्रोसीडियर हम लोग पहले देखेंगे प्रोसीडियर में प्रोसिड्यर के हिसाब से हम लोग सिमुलेशन में कनेक्शन करेंगे। सो so फर्स्ट क्या बोला है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ MCB पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ एमीटर वन, ओके? सो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ MCB पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ एमीटर वन। सो MCB का पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसके साथ कौन कनेक्ट रहेगा? एमीटर जो ए, ये जो एम मीटर है फर्स्ट जो एम मीटर है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एम सी बी को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एम सी बी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर टू सो यहां पे वोल्ट मीटर टू कहां पे है ये वाला तो है वोल्ट मीटर टू तो इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल सीबी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक वोल्ट मीटर का सेकेंड uh, जो वोल्ट मीटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे ओके क्लियर सो फर्स्ट हम लोग कनेक्ट किया एम मीटर वन के साथ एमसीबी का पॉजिटिव टर्मिनल एमसीबी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल में हम लोग कनेक्शन दे दिया उसके बाद क्या करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर वन सो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर वन कनेक्ट कर दिया ओके okay, क्लियर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी ए टू ऑफ द मोटर सो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमसीबी के साथ ए टू ऑफ द मोटर कनेक्ट करेंगे ओके? दिस इज द मोटर एंड दिस इज द जेनरेटर डीसी मोटर एंड डीसी जेनरेटर टू एंड एफ टू हम लोग कनेक्ट करेंगे कनेक्शन करेंगे यहां पे लिखा है मगर यहां पे जो टर्मिनल दिया गया है इसमें जेट टू लिखा गया है तो एफ टू के जगह पर जेट टू यहां पे लिखे. तो A2 और कर देते हैं ओके okay? तो so हम लोग यहाँ पे प्रोसीडियर में भी अगर लिखेंगे प्रोसीडियर में तो जेट टू मेंशन करेंगे ड्राइंग जिस हिसाब से हम लोग करेंगे उस हिसाब से हम लोग कर देंगे यहां पर ओके okay. नेक्स्ट क्या है एल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एम मीटर वन सो ये जो स्टार्टर है स्टार्टर का एल टर्मिनल क्या है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एम मीटर वन सो एम मीटर वन का नेगेटिव टर्मिनल के साथ स्टार्टर का एल टर्मिनल कनेक्ट कर दिया अब नेक्स्ट एफ एंड जेड वन एफ के साथ मतलब स्टार्टर का एफ मतलब फील्ड के साथ जेड वन को कनेक्ट करना है सो जेड वन कहा है यहां है सो so, कनेक्ट कर दिया ये जो ए के साथ ए वन को कनेक्ट कर देना है ओके okay, कनेक्शन कर दिया इसके बाद एल टू के साथ ए टू कनेक्ट करना है एल टू के साथ ए टू कनेक्ट करना है लोड एल टू के साथ ए टू को कनेक्ट करना है हो गया नेक्स्ट ए टू ऑफ द जेनरेटर एंड एफ टू ऑफ द जेनरेटर ए टू एंड एफ टू ऑफ द जेनरेटर एफ टू मतलब यहां पे जेड टू से रिप्रेजेंट किया है नथिंग एल्स एफ टू ऑफ द जेनरेटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर टू तो वोल्ट मीटर टू का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके साथ इसके साथ क्या बोला F2 को कनेक्ट करने बोला उसके बाद बोला नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए एम मीटर टू एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर टू सो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एम मीटर टू एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर टू कनेक्ट करते हैं कनेक्ट कर दिया उसके बाद क्या बोला उसके बाद बोला एल वन एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर टू L1 and एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर इन दोनों को कनेक्ट करने बोला कर okay, कर दिया। L1 and positive terminal of voltmeter कर दिया। L1 नेक्स्ट मीटर 2 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके साथ जेनरेटर का ए वन को कनेक्ट करना है नथिंग उसके बाद क्या बोला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एम मीटर टू जेनरेटर जेड वन हम लोग कनेक्शन कनेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पे एक बार चेक कर लेंगे कनेक्शन सही है या गलत है तो चेक कर लेंगे करेक्ट कनेक्शन पे दिखाएगा अगर सही में कनेक्ट किया तो करेक्ट कनेक्शन दिखाएगा तो उसको हम लोग अब करेक्ट कनेक्शन है तो ओके okay कर लेते हैं ओके okay? देखो यहां पे जैसे कि जेनरेटर ऑन हो गया पॉइंट स्टार्टर स्टार्ट हो गया एमसीबी भी ऑन दिखा रहा है अब यहां पे करना क्या है कि हम लोग लोड देंगे अलग अलग मतलब ये जो बाल्ब हमने लिए हैं इसमें से हम लोग एक एक करके ऑन करेंगे और रीडिंग लेंगे ओके सो so, मतलब लोडिंग करेंगे और रीडिंग लेंगे ओके सो फर्स्ट बल्ब को ऑन करते हैं नंबर वन बल्ब को अब रीडिंग कैसे लेंगे यहां पे हम लोग एड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे रीडिंग दिखाएगा एम मीटर वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है यहां पे शो होगा सो so, एड कर दिया सो so, यहां पे करेंट 1.2 आया वोल्टेज आया 220 हंड्रेड एंड ट्वेंटी वोल्ट ओके okay? सो so, एक ठो बाल ऑन किया मतलब कम लोडिंग है उसके बाद दो बल्ब ऑन करते हैं देखते हैं कैसा होता है फिर से दो ठो बल्ब ऑन करने के बाद ऐड करेंगे सो यहां पे करंट का वैल्यू ज्यादा हो गया वोल्टेज का वैल्यू घट रहा है उसके बाद हम लोग फिर से थर्ड बल्ब को ऑन करते हैं और फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे सो थर्ड वैल्यू मिल गया ऐसे करते करते टोटल आठो कनेक्शन लेना है सो so, यहां पे फोर्थ करेंगे या फिफ्थ कर लेते हैं तो so, फिफ्थ करेंगे तो यहां पे ऐड करेंगे उसके बाद सो so, ए वाला वैल्यू मुझे मिल गया उसके बाद सिक्स्थ करेंगे सिमिलरली ऐड कर लेंगे सिमिलरली सेवेंथ एट नाइन कर लेते हैं नाइन के लिए देख लेते हैं ऐड कर लेंगे उसके बाद एट कर लेते हैं टेन कर लेते हैं सो आप लोगों को मैक्सिमम यहां पे सेवन से एट साठों या आठों रीडिंग लेना है यहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल लिख लेंगे ठीक है अब अगर ग्राफ में हम लोग क्लिक करेंगे तो ग्राफ भी शो होगा तो ग्राफ में हम लोग क्लिक कर लेते हैं और ग्राफ यहां पे आ गया हम लोगों के पास सो वोल्टेज वर्सेस लोड करेंट का ग्राफ बन गया है यहां से हम हम लोगों को ग्राफ भी मिल गया सो तो ग्राफ भी हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लेंगे ओके एक सिमुलेशन के थ्रू हम लोग डिसीसंट जेनरेटर का लोड uh, कैरेक्टरिस्टिक्स देख पाए जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे ज, जैसे कि करंट बढ़ता जाएगा करंट का वैल्यू जैसे बढ़ता जाएगा वोल्टेज का वैल्यू वैसे ही घटता जाएगा ओके okay. सो so, हम लोग यहां से ग्राफ पेपर में ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे ठीक है सो so, और एक बार रिकैप कर देते हैं सो so, लैब में क्या क्या लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे उसके बाद एक्सपेरिमेंट नेम लिखेंगे उसके बाद यहां से एम ले लेंगे एम यहां पे क्या है एम एक्सपेरिमेंट का एम लिख लेंगे उसके बाद थ्योरी लिखेंगे यहां से पूरा थ्योरी लिखना है उसके बाद प्रोसीड्योर लिखना है हम लोग सिमुलिंग पे आएंगे ठीक है सिमुलिंग पे आने के बाद कनेक्शन करेंगे जैसे कि हम लोग प्रोसीड्योर में लिखे हैं वैसे ही कनेक्शन करेंगे सिमुलिंक में जैसे कि यहां पे मैंने कनेक्शन करके दिखाया कनेक्शन करेंगे कनेक्शन करने के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल जो मिलेगा ऑब्जर्वेशन टेबल लिखेंगे उसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर में ग्राफ को प्लॉट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन ओके सो आई होप कि ये वाला एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे सो थैंक यू